गायब चलो पढ़ा हुआ। अब देखिए हमने जो ये पढ़ा था, और अब आप देखिए कि इसमें उद्योगीकरण जो हमारा है इसके अंदर कुछ उद्योगीकरण की जो विभिन्न गतिविधियां थी उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद अब आता है देखिए उद्योगीकरण में शिक्षा, उद्योगीकरण में शिक्षा का योगदान। अब देखिए इस चित्र के माध्यम से देखिए कि उद्योगीकरण की शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि मशीनों के उपयोग के कारण कारीगरों के हुनर की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था लग रही थी, जिसमें देखिए ए शिक्षा, ए नियमितता उत्पादन विकल्प, बाद में क्या है शिक्षा ही, शिक्षा से अनुशासन आया, अनुशासन से काम करने लगे तो कुशलता आई, फिर उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई, पूंजी का निर्माण हुआ और उद्योगीकरण जो था वो बढ़ने लगा। तो उद्योगीकरण यानी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर अप्रशिक्षित महिला या पुरुष जो थे वे बच्चे उत्पादन में काम कर सकते हैं, हुनरमंद वे प्रशिक्षित कारीगरों की जगह ले सकते हैं। लेकिन इस दौर में उद्योगपतियों को लगा कि मजदूरों में कई बार झगड़ा, लड़ाई, झगड़ा, अनुशासनहीनता, जिसके कारण क्या होता है उत्पादन जो था वो सुचारू, उत्पादन जो था वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, यानी कहने का मतलब सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। तो ऐसी उनको जरूरत पड़ी कि औद्योगिक अनुशासन की, मालिक या फोरमैन के निर्देशों के पालन की, मजदूरों की परिस्थितियों में काम करने से मजदूर भी परेशान थे। इससे पहले तो वो खेतों या घरों में अपनी रुचि से काम करते थे, लेकिन नए काम की जो परिस्थितियों के अनुरूप अपने को डालने में उनको परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ मालिकों का व्यवहार अच्छा नहीं था, अमान्य व्यवहार यानी उनका शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध भी आवाज उठानी जरूरी था। तो इन सब बातों के चलते मालिकों ने कहा कि विद्यालय पाया कि बच्चों को विद्यालय के माध्यम से क्या किया जाए, अनुशासित किया जाए, रोज नियमित समय पर आना, वे अन्य बच्चों के साथ चुपचाप बैठना, दिए गए काम को निर्देशानुसार करना, एक दूसरे का कहना मानना, विनम्रता से कहना, यानी विद्यालय जो शिक्षा थी उस पर जोर देने का, क्योंकि जो भी अप्रशिक्षित व्यवस्था थी इन सब का एक ही जो उद्देश्य, एक ही कारण यह था कि इन सब में जब किस प्रकार सुधार किया जाए कि बच्चों को विद्यालय के साथ जोड़ा जाए और वो अनुशासित होंगे। विद्यालय सुबह आना, शाम को जाना, पढ़ना लिखना, दोस्तों से बात करना, विनम्रता से कहना, इन सभी आदतों से बचपन में ही अगर ये आदतें आत्मसात जो बच्चे करने लगे तो इसमें विद्यालय की जो भूमिका बहुत बड़ी रही। तो इसी कारण औद्योगिकरण के अंदर शिक्षा की जो भूमिका हम कह सकते हैं बहुत बड़ी रही। कई समाजशास्त्री ये भी कहा है कईयों ने कि आधुनिक विद्यालय ने कारखाने के ढांचे के कई ऐसे तत्व अपनाए। जब हम अगली इकाई में देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक विद्यालय के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, विशेषकर उसके दूसरे चरण में, तो कामगारों में कुछ विशेष कुशलताओं की जरूरत है। यह भी पाया गया कि शिक्षित जो कारीगर हैं वो कारखाने में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से खोज रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों को खास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित जो मजदूर हैं उनको काम करने की तकनीक का अच्छा ज्ञान होने के कारण वो काम भी बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो मजदूर प्रशिक्षित है, विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, उनके माध्यम से उत्पादन क्या होती है, वृद्धि की जा सकती है। जर्मनी और फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं बनी। तो सबसे पहले कहां बनी प्रशिक्षण की संस्थाएं, जर्मनी और फ्रांस के अंदर, और उन प्रशिक्षण जो संस्थाएं बनाई गई वो काफी सफल रही। मजदूरों के लिए सामान्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, और औद्योगिक प्रशिक्षण के संदर्भ में एक समस्या ये बनी रही कि इन संस्थाओं ने जिस तकनीक का प्रशिक्षण मिलता था वह जल्दी ही पुरानी पड़ जाती थी, क्योंकि कारखानों में लगातार नई मशीनें, नए नए तरीके अपनाए जा रहे थे। तो जर्मन जैसे देशों में इसका उपाय ये खोजा गया कि कारखानों में प्रशिक्षण संस्थानों के बीच गहरा संबंध हो, और जो प्रशिक्षण की शिक्षण वास्तविक कारखानों में हो, इसके साथ साथ उन्हें कुछ व्यापक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसकी मदद से वे नई तकनीक को समझ वे अपना सकते।
उद्योग के विकास के लिए केवल मजदूरों की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके लिए मैनेजर, इंजीनियर, लिपिक, लेखपाल, विभिन्न विशेषज्ञ, यानी अनेक लोगों की जरूरत पड़ती थी काम के लिए। तो इसके लिए इन लोगों का क्या था? शिक्षित तो होना जरूरी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उस तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती थी। इसी कारण उद्योगों की प्रगति हेतु बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय, शोध संस्थानों इंग्लैंड व यूरोप में अभिजात्य वर्ग के लिए स्थापित किए गए। अब देखिए, ये देखिए, दोबारा से देखिए इस चीज को, यानी इंग्लैंड और जो यूरोप के अंदर बड़े जो वर्ग थे अभिजात, उन वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय और शोध संस्थान खोले गए, ताकि आधारभूत व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय गरीबों के लिए खोले गए, ताकि ये उद्योगों में काम कर सके। लेकिन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में इसका हटकर गरीब मजदूरों को भी कुछ शिक्षा तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए और इसमें सफल भी रहे। यानी इंग्लैंड और यूरोप के अंदर ऐसी, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए खोला गया कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर क्या किया गया कि इससे हटकर गरीब लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाने लगी और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि एक तरफ जहां उद्योगीकरण शिक्षा व्यवस्था में वर्ग विभेद का कारण बना, वहीं राष्ट्र राज्यों की स्थापना से, राष्ट्र राज्यों की स्थापना के माध्यम से क्या हुआ, उद्योगीकरण व्यवस्था में बड़े स्तर पर शिक्षा के माध्यम से उत्पादन होने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जिन राज्यों के अंदर राष्ट्र लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उन राज्यों के अंदर शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बढ़ने लगी। और आगे हमारा ये टॉपिक जो आएगा, अब हम राष्ट्रवाद, राज्य, राष्ट्रवाद और शिक्षा, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अब देखिए, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद के बारे में, पहले हम औद्योगिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे